महीने से राशन नहीं उठाया था। आप लोगों में से हमने चर्चा भी करी है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी इसके ऊपर शायद ध्यान नहीं दिया। थर्ड पॉइंट ये है, जो इंटर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। तो सबसे ज्यादा ये समस्या जो आ रही है वो उदयपुर डिवीजन में आ रही है। उदयपुर डिवीजन में मैं एक बार सारी पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं, फिर एक एक करके आपसे स्पीडीएस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा जो समस्या आ रही है कि अभ्यंस वाले जिन्होंने 12 महीने से राशन नहीं उठाया, 25 से ज्यादा परसेंटेज बिना वोटिंग के लिए जा रहा है। तो यानी कि हमारे जो डीलर्स हैं वो इसका पूरा मिसयूज कर रहे हैं। बिना ओटीपी वाला काम है। हमने पहले बायोमेट्रिक बंद किया था और उसके बाद ये सिस्टम किया था हमने शुरू कि उसके अंदर ओटीपी जाएगा और ओटीपी नहीं जाता है तो उसके बाद केवल राशन कार्ड नंबर की एंट्री करके और रजिस्टर में एंट्री करके आप उठा लेंगे। आज माननीय मंत्री महोदय खाद्य मंत्री की द्वारा वीसी ली गई थी, माननीय सेक्रेटरी साहब भी उसमें थे और सारे राजस्थान के डीएसओ और एमसीएस उसमें उपस्थित थे। वीसी में महत्वपूर्ण व्यवस्था उनकी ये थी, ये डायरेक्शन दिए गए कि एक कर्फ्यू क्षेत्र हो चाहे लॉकडाउन एरिया हो, किसी प्रकार से राशन की सामग्री प्रभावित नहीं हो, राशन दुकानें खुलें और सोशल डिस्टेंस रखते हुए समय समय पर उनकी ऐसी व्यवस्था कराई जाए ताकि भीड़ नहीं हो और राशन सामग्री उपलब्ध होती रहे, किसी प्रकार कालाबाजारी नहीं हो उस पर नियंत्रण किया जाए और जो फील्ड में टीमें घूमें ये विशेषता की गई थी। कुल मिला के ये है कि विभाग की कार्रवाई अब सुचारू रूप से पहले से बेहतर होनी चाहिए। ये राशन की दुकानें खुलती तो है सर, लेकिन एकदम सूचना मिलते ही संख्या जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। अजमेर तो जिले से पुलिस प्रशासन से पुलिस प्रशासन से सहयोग लेंगे। हमने कल तहसील साहब को चिट्ठी भी लिखी है और उसके लिए हमने व्यवस्था की है कि जैसे 1 तारीख को 1 से 50 तक उनको देगा शुरुआत कर, फिर 51 से 100 को देगा और उनको भी सोशल डिस्टेंस करते हुए गोले बनाकर उनका वितरण किया। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ की। इसके लिए हमने मीडिया में भी दिया है। दूसरा, राशन डीलर को अपनी दुकान के सामने वही प्लान को चस्पा करेगा ताकि लोगों को इसका पता लगे। 2 दिन से सब्जी मंडी नहीं खुल रही है, ऐसी स्थिति में आप सब्जी को लेकर भी सब्जी मंडी, वैसे तो हमने सब्जी मंडी सेक्रेटरी से बात की है और कल रात को ही सारी दुकानें वहाँ से निकल गई थी पिकअप लेके और बाज़ार में सब्जी की व्यवस्था है पर्याप्त। आगे और बात कर लेंगे, कोई भी अव्यवस्था नहीं होने देंगे। किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, मतलब क्यों नहीं खुल रहे हैं, ऐसी कोई सामने बात आई है? नहीं, वो शाम को 3-4 बजे के बीच पुलिस का ये कहना था कि एक साथ बहुत सी भीड़ आती है तो उसका एमडी मंडी सेक्रेटरी को कहा गया इस ढंग से प्लान करे कि बाहर जाने वाली गाड़ी पहले आ जाए और लोकल गाड़ी वाली अलग आ जाए ताकि भीड़ नहीं हो और मंडी सुचारू रूप से चलती रहे। कल से खुले? बिल्कुल खुले, कल से बात होगी। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।